पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के बाद अब प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ भी चिटफंड मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कार्रवाई को लेकर जहां भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं, वहीं रामसेवक पैकरा ने कहा है कि वो खुद भी यही चाहते थे कि मामले की जांच हो। साथ ही उन्होंने एफआईआर दर्ज होने पर मानहानि का दावा करने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी बड़ा मुद्दा है। इसे चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने वोट भी मांगे। अब जब दो तिहाई बहुमत के साथ उसकी सरकार है, प्रदेश में चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। साथ ही इसके रेंज में आने वाले कई भाजपा नेताओं, पूर्व मंत्री और सांसद के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के पूर्व सांसद और पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब महासमुंद जिले के खल्लारी थाने में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ भी चिटफंड मामले में स्टार प्रचारक होने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। सनशाइन इंफ्रा बिल्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचालक डायरेक्टर समेत कई अफसरों को आरोपी बनाया गया है। मामले के फरियादी ने पहले हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट के निर्देश पर ही ये कार्रवाई हुई है। कि कंपनी के स्टार प्रचारक अपना छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है रामसेवक पैकरा जी थे उस समय, तो उनके द्वारा इनका पूरा अंबिकापुर क्षेत्र में स्टार प्रचारक के रूप में काम करते थे। सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में उस समय के जो वर्तमान सरकार थी उनके द्वारा जो बड़े रूप में जो नेता थे उनके द्वारा भी हम लोगों को ठगा गया है। हम चाह रहे हैं कि संबंधित सभी हमारे पैसा वापसी हो और संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। हम लोगों ने थाना पे और हाई कोर्ट पे अपना अपील किया और वहाँ पर केस किया तो थाने वाले भी ध्यान नहीं दिए, तो हम लोग हाई कोर्ट पे वहाँ पर आवेदन किया और वहाँ पर अपना जो जितना भी डॉक्यूमेंट है वहाँ दिखाए तो बोला हो जाएगा एफ आई आर के बल दिया। हाई कोर्ट से आदेश आया? जी, हाई कोर्ट से आदेश आया। पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई तो भाजपा ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा का कहना है कि वे खुद भी चाहते हैं कि मामले की जांच हो। साथ ही उन्होंने एफआईआर दर्ज होने पर मानहानि का दावा करने की भी बात कही है। जब से यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, ये सरकार का एक ही काम हो रहा है, एसआईटी का गठन करो और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करो, उसकी जांच हो जाए, विधि सम्मत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कहीं भी मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया वो पूरा के पूरा निराधार है। मैंने मानहानि का हम दवा भी पेश करेंगे और जहां तक मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया है उसको मैं तो कहता हूं वो आरोप सिद्ध करे, है ना। किसी के ऊपर आरोप लगा देना आसान लगता है, लेकिन हमने कहीं भी 1% भी कहीं मेरे ऊपर आरोप लगा दे तो मैं तो चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रमाणित करके दिखाए। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में चिटफंड कंपनी ने करोड़ों की ठगी की है। प्रदेश के हर जिले के थाने में एफआईआर की लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस सरकार के आने के बाद अब भगौड़े कंपनियों के खिलाफ कुर्की और डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। साथ ही कई अफसरों और नेताओं के खिलाफ भी पुलिस एक्शन मोड में है। यही वजह है कि मामले में अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।